पीने के लिए एक पेग नहीं मिल रहे हैं और इधर हजारों पेग खराब हो रहे हैं। क्यों रे, तू गुंडा है? गुंडा तू? ये है तेरी गुंडा कर दी? तेरी जगह पर आकर मारा, इससे कहते हैं दादागिरी। आग को छुओगे तो जल जाओगे, और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो कि सांबा से टक्कर लोगे तो जिंदा नहीं बचोगे, मर जाओगे। सांबा, ए सांबा, सांबा, ए सांबा, सांबा, ए सांबा। सारे के सारे शराब बनाने वाले कोमा में चले गए, पूरी की पूरी शराब खराब हो गई, अब तो सिर्फ बोतल बची है। मनी भाई, मनी भाई, मनी, ए मनी, कोमा में चला गया? कितनी बार बोला था सांबा से पंगा मत ले मत ले, लेकिन आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते। नतीजा देख लो, शीशे की तरह चकनाचूर हो गए। कोमा में चले गए तो सोना मैं ले लेता हूँ। आप तो कोमा में गए ही नहीं हो, आप तो पहलवान हो, आपकी क्या बॉडी है भाई। अगर आपको दोबारा मारेगा तब भी कुछ नहीं होगा। इस लड़के को किस चीज पर घमंड है? भगवान, मेरा सांबा कहाँ है? वो जहाँ कहीं भी रहे, बस उसे सही सलामत रखना प्रभु। नमस्ते जी। आवो जी। पंद्रह अगस्त तुहाडा तरीपाल खत्म हो रहा है, तुसी अपने शहर जा सकते हो। भैया, आपके तड़ी पार का समय खत्म हो गया। भैया जी, लगता है अपने सेठ जी अंदर बैठे हुए हैं। नमस्ते जी। माल, माल किधर है? सब जायदाद और अपने सभी परिवार वालों को खो चुका हूँ। कहाँ महलों में रहा करता था, अब उजाड़ खंडरों में रह रहा हूँ। आपने जो पैसा दिया है मैं उसे लौटा दूंगा, बस थोड़ा और सब्र कर लीजिए। आप अगस्त 15 तक रुक जाइए, मेरा सामान मुझे मिल जाएगा, मैं सारा माल दे दूंगा। आखिरी चांस। भैया, क्या सांभा आएगा? आएगा, वो जरूर आएगा, वो शेर है, मुझे पूरा यकीन है, और मेरी जायदाद वापस दिलाएगा।
देखो संध्या, तुम इस शहर में पढ़ने आई हो और मजाक में मेरे घर। ये मजाक मजाक ही रहे, प्यार में ना बदले। तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, मैं तो तुमसे प्यार कर सकती हूँ ना। भगवान ने इंसान को दो आंखें, दो हाथ और दो पैर दिए हैं, लेकिन दिल एक ही दिया है। तुम्हें पता है क्यों? ताकि किसी एक को दिया जाए। और तुम्हें पता है तुम मेरे दिल में नहीं हो। और उसी भगवान ने मुझे भी एक दिल दिया है सांबा, और इस दिल में तुम्हें तुम बसे हो, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। संध्या प्लीज भूल जाओ। तुम्हारी इजाजत लेके प्यार करूंगी तो वो प्यार नहीं होगा, तुम्हारे कहने से प्यार करना छोड़ दूं तो वो सच्चा प्यार नहीं। संध्या पागलों जैसी बात मत करो। अगर मेरी बातें तुम्हें पागलों जैसी लगती है तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने तुम्हें चाटा नहीं मारा, एहसास कराया है। प्यार के नाम पे अपने आप को धोखा मत दो। मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन तुम मुझसे प्यार जरूर करने लगोगे। स्वामी जी, मैं और सांबा हम दोनों ही बरसों से वनवास की जिंदगी गुजार रहे हैं। कल हम दोनों का वनवास खत्म हो रहा है, मेरी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। शुक्रिया भगवान। भैया अभी तक सांभा नहीं आया। इंसान समय के साथ चलता है, समय इंसान के साथ नहीं। भाई भाई लगता है जिंदा है। हाँ हाँ भाई जल्दी उठाओ। हाँ सांभा चलो घर चलो। मेरा प्यारा सांबा मर गया, मेरा सांबा मर गया, मेरा जिगर का टुकड़ा मर गया। उसको मारने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, हजारों आदमियों को भेजा, लेकिन सब के सब वापस आ गए। लेकिन भगवान की कृपा से सांबा ने ताकत पर भरोसा किया और मैंने भगवान पर, इसलिए वो मेरे हाथों मारा गया। हे भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे खुशी के मौके पर अगर ये न्यूज मिल गया कि सांबा जिंदा है तो क्या होगा? क्या बकवास करता है, कैसे बचेगा वो, कैसे बचेगा वो? भाई 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 सांबा अभी भी जिंदा है, उसका इलाज उसके घर पे ही चल रहा है। नहीं नहीं, वो कैसे बच सकता है? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो भाई? ए भाई अपना सर बाद में फोड़ना, पहले वहाँ भाग चलते हैं जहाँ से आए हैं। खा ले बहन, खा ले। पिताजी आप पढ़ाई को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि मुझे उसका मूल्य पता है। डॉक्टर साहब जरा इधर आइए। अभी कैसा है सांबा? अभी ठीक है, मगर खून बहुत ज्यादा बह गया है। तो हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दीजिए। उसको यहाँ से ले जाना सेफ नहीं है, उसे कुछ हो गया तो जनता को कंट्रोल करना मुश्किल है। होमरूम में छोटा ही सही, पर लोगों के लिए वो भगवान है। एसपी साहब आप कहते हैं वो भगवान है, भगवान की कभी मौत होती है क्या? डॉक्टर की दवा से ज्यादा लोगों की दुआएं काम आएगी। वो जिएगा, वो जरूर जिएगा।